इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं ज्योति मिश्रा और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, पेगासस विवाद पर आज राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ। टीएमसी सांसदों ने आज आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के जवाब देने से ही रोक दिया। वैष्णव के जवाब के दौरान सांसदों ने उनके हाथ से पर्चा छीन लिया और उपसभापति की तरफ फेंक दिया, जिससे कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी नाराज हो गए। इस हंगामे की वजह से वैष्णव आज अपना जवाब पूरा भी नहीं कर सके। हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संसदीय परंपरा, कृपया हम लोग न सुने। तस्वीरें आप देखिए कि सभापति कह रहे हैं कि ये असंसदीय परंपरा है, सदन की गरिमा के खिलाफ जो हरकतें की गई। जब वो ये सब कुछ कह रहे थे उसी वक्त जब अश्विनी वैष्णव के हाथ से छीने गए कागज थे उसके टुकड़े कर स्पीकर के ऊपर फेंका गया। दोपहर 2 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई थी और जैसे आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बोलना शुरू किया टीएमसी सांसद आगे बढ़ गए। पहले आईटी मंत्री को बोलने से रोकने की कोशिश की, जब कामयाब नहीं हो सके तो स्टेटमेंट की कॉपी उनके हाथ से छीनी और उपसभापति की ओर फेंक दिया। स्टेटमेंट बाई मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी, प्लीज 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 ऑनरेबल मिनिस्टर को स्टेटमेंट। महोदय, प्लीज सभापति महोदय, रीड द स्टेटमेंट। सदन में स्पाईवेयर पेगासस के द्वारा सभापति महोदय इस स्टेटमेंट को पटल के सदन पे सदन के पटल पर रखा माना जाए। माननीय संसदीय परंपरा, कृपया हम लोग न सुने। रिपोर्ट ले हो गई, जिस रिपोर्ट पर आप सब सुनना चाहते थे जो आपके लिए चेयरमैन सर, उस मुद्दे पर आप ऑनरेबल चेयरमैन सर अवसर पा रहे हैं पर आप उस पर बहस नहीं होने देना चाहते। ये कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? बिल्कुल सामने reports have appeared a day before the monsoon session of parliament. This cannot be a coincidence, honorable chairman sir. In the past, similar claims were made regarding the use of Pegasus on WhatsApp. Those reports had no factual basis and were categorically denied by all parties, including the Supreme Court, including in the Supreme Court. The press reports of 18 July 2021 also appear to be an attempt to malign the Indian democracy and its well-established institutions. We cannot fault those who haven't read the story in detail, and I request all honorable members to examine the issues on facts and logic. Sir, with your permission, I may be allowed to lay the statement on the table. Minister, Sri Vaishnav ji has laid his statement. आप कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहते हैं, प्लीज प्लीज। रिपोर्ट्स ऑफ द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर श्री विवेक ठाकुर, रिपोर्ट्स ऑफ द कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस श्री नारायण गुप्ता। संसदीय परंपरा, कृपया हम लोग न सुने। माननीय मिनिस्टर, यह
संसदीय परंपरा कृपया हम ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले देश के संसद राज्यसभा की तस्वीरें हैं और देखिए किस तरह की हरकतें आज देखने को मिली, जिससे खुद जो चेयरमैन है वो कह रहे हैं कि असंसदीय तरीके असंसदीय परंपरा है जिसके खिलाफ लोग ना सुने उनकी बातें। लेकिन इतने में आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के हाथ से कागजात छीन कर शांतनु सेन ने उसके टुकड़े किए और फिर उपसभापति के ऊपर उसे बिखेर दिया, फेंक दिया। और उसके बाद जब वो बाहर निकले तो मीडिया के सवालों का जवाब देने से भी बचते नजर आए। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव आज आपको बता दें पेगासस मामले पर सरकार की ओर से सफाई पेश कर रहे थे। वो पेगासस मामले पर जो सरकार पर आरोप लगाए गए फोन टैपिंग से लेकर पेगासस खरीदे जाने और उसके इस्तेमाल को लेकर, और जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया टीएमसी के सांसद शांतनु सेन ने उन्हें रोकने की कोशिश की और जब वो उन्हें रोक नहीं पाए तो उनके हाथ से जो कागजात थे डॉक्यूमेंट्स ही छीन लिए। आपको दिखाते हैं वो पूरा घटनाक्रम। कृपया हम लोग माननीय या असंसदीय परंपरा कृपया हम लोग न सुने। माननीय या असंसदीय परंपरा कृपया हम लोग न सुने। माननीय या असंसदीय परंपरा कृपया माननीय मिले या असंसदीय परंपरा कृपया हम लोग न सुने। माननीय मिले या असंसदीय परंपरा कृपया हम लोग न सुने। माननीय मिले या असंसदीय परंपरा कृपया हम लोग न सुने। माननीय मिले या असंसदीय परंपरा कृपया हम लोग न सुने। माननीय मिले मानसून सत्र की कार्रवाई जब से शुरू हुई है लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक में विपक्ष के तीखे तेवर जरूर देखने को मिले, लेकिन आज जो हुआ उसे देखकर कहा जा सकता है कि संसद की गरिमा के खिलाफ हरकतें सांसदों द्वारा की गई और टीएमसी सांसद ने आज तो आईटी मिनिस्टर के हाथ से कागजात ही छीनकर वहीं बिखेर दिए। राज्यसभा में जो कुछ हुआ उसके बाद आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी क्योंकि जो कार्रवाई है राज्यसभा की वो कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बीजेपी का इस पर क्या कहना है ये थोड़ी देर में साफ होगा। और मीनाक्षी लेखी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, आपको सीधा इस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। कंडक्टेड देमसेल्व्स व्हेन प्राइम मिनिस्टर वाज एड्रेसिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग द न्यू मिनिस्टर्स इन द पार्लियामेंट, व्हाई दिस न्यू लॉ हैज बीन ब्रॉट इनटू पॉलिटिक्स इज समथिंग वी ऑल मस्ट अंडरस्टैंड। एंड द फैक्ट इज दैट दिस स्टोरी व्हिच इज फ्लोटिंग अराउंड अबाउट पेगासस is a fake story. The fact is also that Amnesty has denied that list which is circulating is not an actual list and it's only indicative of something. So basically there are two services which are available in public domain, that is HLR services and VLR services. That is means home location registry or visitors location registry. Now pick up a yellow page, you will all remember that there used to be a directory system. BSNL used to have its own directory. There are so many other directories, yellow pages also. And from yellow pages to yellow journalism is what we have seen in this entire story. Some list is created, circulated, and the story goes around a fake list. 10 countries have been named, that 10 countries this spyware is used. Now I do not know which spyware is used, but if the spyware is used by 10 countries, have the other countries' opposition behaved and reacted the way our opposition has? This is not a story, this is a non-starter across the globe. Because based on concocted, fabricated, evidence-less story, nobody does story. Because that story itself calls for forgery and defamation. Leaked data is an offense. And that leads to further complications for people who base their stories on leaked data. It only happens in India. I am really shocked and surprised the way mythical character like Darth Vader or Voldemort
are created in Harry Potter, similar conduct is being indulged in by the opposition in the parliament. Whenever something right and good is supposed to happen to the country through welfare schemes, new laws, this kind of conduct is indulged in. And yes, you must understand the chronology. The chronology is, there is something like Data Protection Act, a joint parliamentary committee, which I was chairing and was assigned a task assigned to me by the Honorable Speaker. All the members of opposition worked on it in a most transparent manner. The report was ready, but the whole country was moving from one crisis to the other, especially in view of Corona, then elections, then parliamentary session, then reshuffle. All those things led to that report is not brought before the parliament for adoption. But that report is submitted to the speaker. And data protection is going to become the law of the land. And this is directly connected with that. This is to undermine the Indian institutions, that these kind of stories are floated. This is to desensitize public on the credibility of the structures when rights of Indians and democratic structure is involved, and to malign the image of country that these acts are depended upon by the opposition. And that's why I say that these people are people who will do anything to fake the story, fake the narrative. NSO, the company which builds the spyware, has denied that this is not a list of their customer. And विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि पेगासस मामले को लेकर जो सुर्खियां उछाली जा रही हैं वो फेक न्यूज है और येलो पेजेस से येलो जर्नलिज्म की ओर ये बढ़ती खबर भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ है। बहरहाल, संसद में आज क्या क्या हुआ और साथ ही कुछ और अपडेट्स आप तक लेकर पहुंचेंगे बस एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।